सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं साफियर फूड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, साफियर फूड्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग आज मार्केट में हो चुकी है और इसकी लिस्टिंग कम प्रीमियम के साथ होती हुई नजर आई। आपको बता दें कि इस आईपीओ का इशू प्राइस 1180 रुपए के आसपास रखा गया था, यानी 1180 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ था और इसकी लिस्टिंग करीब 1350 रुपए के आसपास होती हुई नजर आई। यानी लिस्टिंग के दिन निवेशकों को थोड़ा बहुत यहां पर लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर आया। और देखिए, मुझे लगता है कि जो लिस्टिंग गेन है वो ठीक ही ठाक था, क्योंकि जिस तरीके से प्रीमियम चल रहा था उसके हिसाब से ज्यादा ही प्रीमियम मिलता हुआ नजर आया। अब देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, यहां पर इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग के बाद ये शेयर लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आया। और आप देखें, यहां पर इसने जो लो है करीब 1200 रुपए के नीचे तक का बनाया, यानी कि अपने इश्यू प्राइस के आसपास तक यह गया था। अब देखिए, यहां पर मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है आपको हमेशा बताता हूं कि देखिए, जब भी आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं, यानी कि आपको लिस्टिंग गेन बस चाहिए और उसमें से एग्जिट करना है, तो आपको लिस्टिंग के पहले, यानी कि लिस्टिंग जब भी होती है तुरंत ही जहां पर यह लिस्ट होता है, एक प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि आप 1350 रुपए पर यह लिस्ट हुआ था, आप मान लीजिए 30 रुपए का लॉस ले लेते कि भाई 30 रुपए लॉस में गया, 1320 रुपए का मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊंगा चाहे जो हो जाए। आप अगर ऐसा करते तो मान लीजिए ये नीचे गया था, 1320 रुपए पे आपका प्रॉफिट बुक होता और आराम से आप अभी इस स्थिति में होते कि दोबारा इस शेयर को खरीद लेते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 100 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से प्रॉफिट होता, तो इस स्थिति में आप पहुंच जाते। और देखिए, यहां पर भी आपको खरीदने का मौका मिला, यानी कि इशू प्राइस पर आप फिर से खरीद सकते थे। तो ये स्ट्रेटेजी होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक आप मेरे वीडियोस देखते हैं और आपको पता होगा कि इस तरीके की स्ट्रेटेजी अगर आपने अपनाई होती तो निश्चित रूप से आप यहां पर प्रॉफिटेबल होगे, निश्चित रूप से अभी भी प्रॉफिट में है। अब देखिए, यहां पर ये शेयर लगातार नीचे गया, सो अपने इशू प्राइस के आसपास इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, एक छोटी सी रेंज में दिन भर ये ट्रेड किया, उसके बाद शाम के टाइम थोड़ा सा मूवमेंट आया और इसमें फिर से गिरावट हुई, वापस से ये नीचे गया। आप देखें, 1200 रुपए के नीचे गया और उसके बाद फिर से ऊपर आया, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये इशू प्राइस 1180 रुपए और 1200 रुपए के बीच में एक बेहतरीन सपोर्ट जोन मौजूद है और इसको ये भेद नहीं पा रहा है। आप यहां पर देखेंगे तो ये इसके ऊपर ही जा रहा है, मतलब इससे टकरा रहा है, वापस के ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हालांकि 1227 रुपए के आसपास चल रहा है, बढ़िया प्राइस पर चल रहा है, ऊपर ही चल रहा है इशू प्राइस से, यानी कि अभी आपको 40-45 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से फायदा भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई अभी क्या करें, इस सिचुएशन में क्या किया जाए, मैंने तो 3-4 दिन इसको होल्ड करने के लिए सोचा था लेकिन ये तो बहुत ही नीचे आ गया, मैं क्या करूं यहां पर। तो निश्चित रूप से आपको यहां पर अब क्या करना है, 1200 रुपए पर ये बार बार आ रहा है, उसके ऊपर जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप यहां पर फिर एक स्टॉप लॉस लगा के ही काम करें, क्योंकि मार्केट का माहौल आज आपने देखा कि निगेटिव है, प्रेशर में है। मान लीजिए कि कहीं ये 1180 को ब्रेक डाउन करता है और इसका प्राइस 1100 रुपए हो जाता है, तो आप क्या इसको फिर भी होल्ड कर पाएंगे, आप पछताएंगे नहीं। तो निश्चित रूप से आपको पछताना ना पड़े, इसके लिए आप एक 1200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे जाता है तो आप इसको बेच दीजिए, आपको कम से कम यहाँ पर 20-30 रुपए जितना भी प्रॉफिट हो रहा है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा है ना, मतलब प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेटजी हमेशा होनी चाहिए। अब बात आती है लॉन्ग टर्म के निवेशकों की, लॉन्ग टर्म में क्या करें। निश्चित रूप से मार्केट में प्रेशर का माहौल है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये नीचे जाता है
तो 1180 को ब्रेक डाउन करता है तो और भी नीचे जा सकता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के निवेशकों को ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, नीचे जाएगा तो थोड़ा और ख़रीदने की उनको कोशिश करनी चाहिए। नीचे जाएगा तो उनको ये होना चाहिए कि हाँ भाई मैं एवरेज कर लूँगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे निवेशक यहाँ पर बने रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो आप एवरेजिंग करने के मूड में रहेंगे। लेकिन कुछ हमारे रिटेल निवेशक ऐसे होते हैं जो केवल लिस्टिंग गेन के लिए लगाते हैं, 3-4 दिन रखेंगे, अपर सर्किट अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया, इस तरीके का मूड उनका रहता है। तो भाई हर आईपीओ में ऐसा नहीं मिलता, हर आईपीओ पारस डिफेंस नहीं होता, आपको ये बहुत ही जल्दी समझने की ज़रूरत है। हर आईपीओ के लिए आपको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, और अगर आपने वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी अपनाई होती तो 1320 रुपये पर आप जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिए होते, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है आगे से, और जो मैंने बताया कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के निवेशक बने रहें और जो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं वो स्टॉप लॉस लगाए बिना काम ना करें। अगर आप थोड़ा सा लॉस और बुक करना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा लॉस भुगत सकते हैं, तो आप 1180 का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके ऊपर है, आपको कितना लगाना है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। बाकी बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें, ये मेरा मतलब है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के काम करना मतलब बहुत बड़ा जोखिम लेना है। अभी जो आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, कब आप लॉस में चले जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप जो भी करें अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ कर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।